बेटोन का फॉर्म भर दिए हो ना? ज्वाइनिंग वाइनिंग होगा नहीं तुम्हारा, पैसा का इंतजाम करो। आज तक बेटोन में बिना पैसा का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। एक नंबर का बुड़बक हो तुम। फार्म भर दिए, अब जाओ 2.5 लाख रुपए का इंतजाम करो, तब जाकर ज्वाइनिंग होगा। कितना भी मेहनत कर लोगे, तैयारी करते रह जाओगे, नहीं होगा ज्वाइनिंग। आ जाओगे पैनल में तब वो नहीं होगा, पैसा देने वाला पैसा देकर ज्वाइनिंग ले लेगा। दोस्तों, आपने भी अगर बेल्टोन का फार्म भरा हुआ है डाटा इंटरप्रेटर का या स्टेनोग्राफर का, और आपने अगर अपने मित्र या फिर अपने सगे संबंधी से अगर इस बात की चर्चा की होगी कि आपने बेल्टोन का डाटा इंटरप्रेटर या स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको भी यही सारे सब रिप्लाई सुनने को मिले होंगे कि बेल्टोन में बिना पैसे का ज्वाइनिंग नहीं होता है, पैसा दीजिए बेल्टोन में ज्वाइनिंग लीजिए। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपके मन में आ रही होंगी, और आपने हो सकता है कि इससे आहत होकर अपने तैयारी भी छोड़ दिया होगा। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं और लगभग फ़ोन ऐसे ही आते हैं कि बेल्टोन में क्या सेटिंग होता है, क्या पैसा देना होगा, बिना पैसे दिए ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो आज हम इसी बात पर एकदम गहनता से बात करेंगे आपसे, और हम जानते हैं कि बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं कि जो ये सब बातें सुनकर बहुत ही आहत हो गए हैं, डिमोरलाइज हो गए हैं, और अपना तैयारी भी छोड़ दिए हैं कि जब बेल्टोन में पैसे से ही ज्वाइनिंग होता है तो फिर वो तैयारी क्यों करें। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ सबसे पहले कि सेटिंग होता कैसे है, होता भी है या फिर नहीं होता है, या फिर कैसे कैसे फ्रॉड होता है, ये सब बातें आपको जाननी चाहिए। और जाननी इसलिए चाहिए क्योंकि आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो आप डेमोलाइज होकर अपना परीक्षा का तैयारी छोड़ ना दें। इसलिए मैं आपको आज मोटिवेट करने आया हूँ, और आपको मैं सत्यता से आपको परिचित कराने आया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि सेटर आपसे कैसे संपर्क करते हैं और आपको क्या झांसा देते हैं। अब एक बात आप समझ जाइएगा, मैं भी बेल्टोन का एक कर्मी हूँ, आप जानते हैं कि मेरा भी जॉब बेल्टोन के थ्रू हुआ है, मैं पंचायती राज विभाग में हूँ अभी। तो आपको मैं एक बात बता दूँ कि अगर मैं भी चाहूँ तो किसी का ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ किसी से, और मुझ पर लोग विश्वास भी कर लेंगे कि अरे हाँ, ये तो खुद बेल्टोन के थ्रू है तो जान पहचान होगा, ये ज्वाइनिंग करवा देगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे पर फ़ोन भी आता है कि सर क्या आपका सेटिंग है, क्या आप सेटिंग करवा सकते हैं, तो मेरे पास आप लोग ऐसा फ़ोन नहीं कीजिए कृपया। मेरा कोई सेटिंग नहीं है, मेरा कोई जान पहचान नहीं है, मैं खुद अपने मेहनत के बल पे जॉब लिया था, और मैं सेटिंग पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैं आपसे 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए लेकर और ज्वाइनिंग करवा दूँ, ये सब पैसा जो है कभी फलता नहीं है। आज मैं आपसे 2 लाख 2.5 लाख रुपए लूँगा, कल भगवान की लाठी ऐसी बजेगी कि मुझे 5 लाख 10 लाख देने पड़ जाएंगे। तो मेरे पास कोई भी जान पहचान नहीं है, मेरा कोई सेटिंग नहीं है, आप लोग कृपया मेरे ऊपर फ़ोन न किया कीजिए कि मेरा कोई सेटिंग है कि नहीं, क्या मैं ज्वाइनिंग करवा सकता हूँ पैसे पर कि नहीं करवा सकता हूँ, मेरा कोई सेटिंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि सेटर आपसे संपर्क कैसे करते हैं, फिर झांसा कैसे आपको देते हैं। देखिए, आप जब जाइएगा समाज में तो आपको 4 तरह के लड़के मिलेंगे या लोग मिलेंगे। एक जो खुद मेहनत करके अपना खुद जॉब लेता है, अपने में हुई ही रहता है वो, उसको किसी और से मतलब नहीं होता है। दूसरे आपको लोग ऐसे मिलेंगे कि जो इस थ्योरी पर चलते हैं कि हम ना खाए ना खाए दें, मतलब कि वो खुद तो फॉर्म कोई चीज़ भरेंगे नहीं, आपको भी वो फॉर्म नहीं भरने देंगे। वो कहेंगे कि अरे ये जॉब खराब है, इसमें पैसा देकर लगता है, फलाना ढिमका, आपको बरगलाएंगे, खुद वो नहीं भरेंगे फॉर्म, आपको भी नहीं भरने देंगे। तो ऐसे लोगों से आप एकदम सतर्क रहें। तीसरे लोग वो होते हैं कि जो खुद आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे खींच देते हैं। जी हाँ, आपको वो पीछे खींच देंगे तब खुद आगे बढ़ेंगे, मतलब आपको तो वो बरगला देंगे कि बेल्टोन में बिना पैसे का ज्वाइनिंग नहीं होता है, मत भरो फॉर्म, आपको फॉर्म नहीं भरने देंगे, और खुद देखिएगा तो वो खुद फॉर्म भर के एग्जाम देने जाएंगे। और चौथे वो लोग होते हैं जो आपको अपने साथ लेकर चलते हैं, मतलब कि वो अगर कहीं जाते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, तो वो आपको अपने साथ मोटिवेट करके उस फॉर्म को भरवाते हैं और बोलते हैं कि ये फॉर्म भर दो, ये जॉब अच्छा है, साथ में हम लोग एग्जाम देने चला जाएगा। तो वैसे 4 लोग होते हैं मार्केट में, आपको समझना पड़ेगा कौन कैसा आपसे व्यवहार कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि सेटर, देखिए होता क्या है कि एक्चुअली में जान पहचान होता किसी का नहीं है। आपके पास किस तरह से ऑफर आएगा आप ये समझ लीजिए, आपके पास 2 तरह से ऑफर आएगा। एक ऑफर आएगा कि एक सेटर बोलेगा आपसे कि मैं आपका पैनल में नाम ला दूंगा, एक सेटर बोलेगा कि मैं आपका ज्वाइनिंग करवा दूंगा, आपको ज्वाइन लेटर दिलवा दूंगा। अब जो ये बोलता है कि आपका नाम मैं ला दूंगा पैनल में, वो भी आपको 2 तरह से डील करेगा, ठीक है, बात समझते चलिएगा पूरा। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि मैं एक सेटर हूँ, मान लीजिए कि मैं एक सेटर हूँ, मैं हूँ नहीं लेकिन आप मान सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं एक सेटर हूँ, मैं आपसे संपर्क करता हूँ कि भाई मेरा बहुत जान पहचान है बेल्टोन में, मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारा नाम ला दूंगा पैनल में। अब होता क्या है,
कि एक्चुअली में मेरा कोई जान पहचान बेल्टॉन में होता नहीं है। अगर मैंने 20 लोगों से 2-2 लाख रुपए ले लिया कि मैं आपका नाम ला दूंगा पैनल में, और मैं आपसे कहूंगा क्या कि तुम जाना एग्जाम देने, सीबीटी में बैठना, जो तुमको आएगा उस पर टिक लगाना, जो नहीं आएगा छोड़ देना, या फिर गलत ही सही तुम 60 क्वेश्चन पे टिक लगा के आना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुम 60 क्वेश्चन अपने मन से मार देना और टाइपिंग सीखते रहो हल्का फुल्का, वहाँ पे जाना टाइपिंग भी तुम करके आना। तो होगा क्या कि मान लीजिए मैंने अगर 20 लड़कों से पैसा लिया है, 20 में अगर मेरे भाग से 5-10 लड़के भी अगर अपने बल पे सीबीटी पास कर जाते हैं और टाइपिंग निकाल लेते हैं, तो समझिए कि मेरा आमदनी हो जाएगा लगभग, मैं 1 करोड़ रुपये कमा लूँगा उन लड़कों से, ठीक है। तो 20 लड़कों में 5 लड़के जो सफल हुए हैं उनका पैसा तो मेरे पास आ जाएगा, बाकी का पैसा मैं लौटा दूंगा। अब होता ऐसे ही है, अगर कोई सेटर आपसे ये कहता है कि आप जाइए एग्जाम में बैठिएगा, एक भी क्वेश्चन मत कीजिएगा, 60 क्वेश्चन जो है उसमें से एक भी क्वेश्चन टच मत कीजिएगा, या फिर आप एग्जाम देने जाइए ही मत, आप टाइपिंग देने जाइएगा वहाँ पे टाइपिंग मत कीजिएगा, या फिर आप टाइपिंग देने जाइए ही मत, मैं आपका नाम ला दूंगा पैनल में, अगर ऐसा कोई सेटर बोलता है तो आप मान सकते हैं कि हाँ उसका कोई जान पहचान हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा किसी को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद क्वालिफाई कर सकते हैं। पैनल में नाम लाना और ज्वाइनिंग होना में दोनों अंतर है, आप समझ जाइए। पैनल में नाम आ जाने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका ज्वाइनिंग हो गया है। ज्वाइनिंग होने में आपका 5 से 10 साल भी लग सकता है, क्योंकि बेल्टॉन ज्वाइनिंग सबको एक साथ नहीं देता है, जैसे जैसे बेल्टॉन के पास अध्याचना जाता है वैसे वैसे बेल्टॉन देता है ज्वाइनिंग। अगर आप अध्याचना और ज्वाइनिंग का समझना चाहते हैं खेल, तो मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वो देख लीजिए। अब देख लेते हैं कि एक दूसरे तरीके का सेटर वो होता है जो कहता है कि आपको मैं ज्वाइनिंग करवा दूंगा। अगर जो ज्वाइनिंग करवाने के नाम पर आपसे पैसे मांगता है, तो हो सकता है उसका जान पहचान हो, आप मान सकते हैं कि उसका जान पहचान होगा, वो आपको ज्वाइनिंग करवा सकता है, या आपके ऊपर है कि आप उसको पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा किसी को भी एक पैसा पहले देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कहता है कि आप ज्वाइनिंग करवा देंगे तब पैसा दीजिएगा, तो आप अपने ऊपर रिस्क खेल सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको नहीं कहूँगा कि आप किसी को पैसा दीजिए, आप अपने बल पे क्वालिफाई कीजिए, आप अपने बल पे ज्वाइनिंग लीजिए, क्योंकि ये क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, बस आप क्वालिफाई कीजिए और जॉब लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सेटर होते हैं कि जिनका कोई जान पहचान नहीं भी होता है, फिर भी वो आपसे कहेंगे कि मैं आपका जॉब लगवा दूंगा, आपका ज्वाइनिंग दिलवा दूंगा, आपका नाम ला दूंगा पैनल में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पैनल में नाम आना और ज्वाइनिंग होने में अंतर होता है। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप सेटिंग के भरोसे मत रहिए, जितने लोग क्वालिफाई होंगे सबका नौकरी होगा, और आप लोग दूसरे के बात न सुने, आपने अगर फॉर्म भरा हुआ है तैयारी में लग जाइए। अभी 2 से 3 महीना है एग्जाम में, आप सीबीटी भी निकाल लेंगे और आप टाइपिंग भी निकाल लेंगे, अभी आपके पास बहुत मौका है, आप तैयारी कीजिए और डेमोरलाइज न होइए। ये सब फेर में मत पढ़िए कि सेटर कौन है, कौन सेटिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं पढ़ेगा उसके पास पैसा है, वो सेटिंग करेगा, उसको करने दीजिए, उससे आपके सीट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पैसा देकर जॉब ले रहा है तो आप पढ़ के भी जॉब ले लेंगे, आपको बस क्वालिफाई करना है, बस आप पास कीजिए सीबीटी, एक टाइपिंग निकालिए और आपका जॉब होगा। तो ऐसा करते हैं कि जो भी लोग ये सेटर के मामले में अभी पढ़ रहे हैं, सेटिंग के मामले में, वो इससे दूर हटेंगे और अपना टोटल ध्यान देंगे अपने तैयारी पर। आप भूल जाइए कि कोई सेटिंग कर रहा है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने तैयारी कीजिए, अपना सीबीटी निकालिए, अपना टाइपिंग निकालिए, ठीक है। तो मेरे ऊपर कृपया आप लोग फोन मत कीजिए कि आपका कोई सेटिंग है कि नहीं, तो मेरे पास कोई ऐसा सेटिंग नहीं है, मेरा कोई जान पहचान नहीं है, मैंने अपने बल पर अपना जॉब निकाला था, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बल पर ही निकालिए, ताकि आप बाद में गर्व से कह सकें कि हाँ आपने अपने बल पे, अपने तैयारी के बल पे अपना जॉब लिया था, न कि पैसा देकर लिया था। क्योंकि जो पैसा देकर लेगा वो फिर जब जाएगा कहीं जॉब करने, तो फिर वो दूसरे पर ही आश्रित रहेगा, उसको कोई भी काम करने को मिलेगा तो वो दूसरे से ही रिक्वेस्ट करेगा कि भैया सर मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए, क्योंकि उसके पास नॉलेज तो है नहीं। और आप अगर अपने बल पर जाइएगा, अपना तैयारी करके जाइएगा कहीं भी जॉब करने, तो कोई भी आपको काम मिलेगा तो आप बड़े शान से वो काम कीजिएगा, और आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि हाँ मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, मैं अपने सारा काम कर लेता हूँ। तो ये सारी बातें हैं, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी खुद कीजिए, सेटिंग के मामले से दूर रहिए, अभी तैयारी करने का समय है आपके पास, तैयारी कीजिए। चलिए मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के धन्यवाद। कोई और आपके पास क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका मैं जरूर हेल्प करूंगा। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।